तो देखें जो मिल्किंग वीडियो है हांडा डेयरी फार्म से एक बार कवर करते हुए, गांव है हरिता और यहां पर ये देखें भूरे रंग की जो गोधन है राठी, उसकी नीचे बछड़ी है उसको बांध दिया गया है और यहां पर हरियाणा नस्ल की ये जो गोधन है इसके नीचे भी इस बार बछिया है। तो हरिता हिसार जो जिला है उसका गांव है हरिता, कृषि प्रधान ये गांव है। ज़्यादातर यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड जो है वो काफ़ी उपजाऊ होने की वजह से और नहर होने की वजह से काफ़ी अच्छी फसल यहाँ पर यहाँ के जो किसान वर्ग हैं वो लेते हैं। ठीक है, खाली बाल्टी इन्होंने दिखा दी है और हरिता जो गांव है वहाँ से 54 जो युवा थे वो सेना में भर्ती होकर के और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक जब चला तो भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उस प्रथम विश्व युद्ध में जब गए तो 12 उनमें से लौट करके नहीं आए। इसीलिए त्याग और तपस्या और समर्पण की ये भूमि है हरिता। तो ये देखें लाल रंग जो है उससे जो हांडा डेयरी फार्म है उसको रंग करवाया गया है। ऊपर अगर मैं एक सेकंड के लिए दिखाना चाहूँ तो ये देखें छप्पर की व्यवस्था है। मात्र और मात्र जो ये सरकंडे वाली घास है इसी में एक ऐसी गुण पाई जाती है कि गर्मी में चाहे आप कितना भी आधुनिक छप्पर बना लें लेकिन वो उसमें आपको गर्मी देखने को मिलेगी, भभक बनेगी, लेकिन ये जो छप्पर है इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये देखें जो फोन था उसको ऑफलाइन करना जरूर भूले थे, इसकी वजह से एक बीच में फोन आकर के उसने डिस्टर्ब जरूर किया है, अन्यथा सुस्पष्ट वीडियो। तो ये देखें तो इन्होंने जो जानकारी दी है कि राजस्थान में अभी गोधन की जो पीछे से रेट है उसी में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही। कारण मैं जरूर जानना चाहूंगा क्या कारण है। भाई जी मैं बताऊं कारण आपको जी, कारण ये है भाई जी जो अपने हरियाणा के अंदर जो गाय ना देसी नस्ल की अच्छा और राठी नस्ल की कम हो गई बिल्कुल अच्छा, और रही बात इस टाइम भैंस का ब्याह था भाई जी अच्छा टूटे और गर्मियों में भाई जी पानी भी पीने का ना वो भी ठंडा नहीं मिलता है अच्छा, और राजस्थान के अंदर पहले गाय के घर में 10-10 हुआ करती थी अच्छा, दो दो चार चार रहेगी भाई जी। तो वहाँ पर भूसे का जो कीमत है उसमें बे इंतहाशा बढ़ोतरी होने की वजह से गोधन उन्होंने तकरीबन काफ़ी कम कर दी है। पालना जो है वहाँ पर भी रुझान घटता जा रहा है। उस लाइट को एक बार ऑन करें तो राजस्थान क्योंकि हिसार जो जिला है वो राजस्थान से सटा हुआ है, गोधन जो खरीद करके लेकर के आते हैं वो किसानों के पास से लाते हैं और वहाँ पर अब जो है डीजल का रेट अगर आप राजस्थान का सुनेंगे तो हरियाणा से भी 10 रुपये वहाँ पर ज्यादा कीमत है। तो कहीं ना कहीं 107 रुपये और पेट्रोल वहाँ पर 119 के आसपास है, 119 रुपये लीटर। ये देखें युवा साथी जो हैं तो मात्र और मात्र कुछ मिनटों में आपने दूध निकाल दिया, बहुत बढ़िया। तो ये देखें स्वभाव जो है इस गोधन का बिल्कुल शांत स्वभाव। और मिल्किंग आप वहाँ पर देखें उस गोधन की शांत सुस्पष्ट स्वभाव है। तो हरियाणा प्रदेश में जो अभी पशुधन के प्रति जो एक समर्पण पहले अधिक देखने को मिलता था लेकिन अभी क्योंकि फीड की कॉस्ट है और जो चारे की कॉस्ट है थोड़ा सा दूध जरूर छोड़ना बच्चे के लिए, आधा शेर दूध जरूर छोड़। मैं वीडियो जो लोगों को दिखा रहा हूं जो काम कर रहा हूं ना भाई जी, अपनी मिल्किंग खुद करके लेके जाओ दो टाइम। ठीक है, बिल्कुल सुस्पष्ट बात है। जब कभी भी आप गोधन खरीदें आप खुद 2 समय की 3 समय की मिल्किंग करें। ये दूध निकालते वक्त दो बार इसने गोमूत्र ऐसे निमाई कर रही है क्यों पता नहीं भाई जी। अच्छा वैसे ठीक है बिल्कुल ओके भाई जी। डोकल तो नहीं है, दो बार दूध उतारती है? डोकल नहीं भाई जी। अच्छा लंबा पूरा दूध एक बार में उतारती है? एक बार में उतारती है। अच्छा तो हरियाणा प्रदेश में इस बार जो है वो तूड़ी का जो रेट है वो सीजन के ऊपर जब अभी खेतों में से फसल निकल रही है हाँ। मेरा जहाँ तक अनुमान है 700 से नीचे अभी तूड़ी नहीं मिलेगी। 700 रुपए क्विंटल? क्विंटल अच्छा हाँ जी
हमारी तरफ तो और भी ज्यादा महंगे रेट है, 1200 रुपए क्विंटल अभी है। और रही बात भाई जी राजस्थान के अंदर आज पराली है ना 1100-1000 रुपए उतर रही है, वहाँ पे उतर रही है। और कभी आज से मतलब 8-9 महीने पहले मैंने 250 रुपए पराली ली थी भाई जी, 250 रुपए क्विंटल कटा ली थी उसको, उत्तर बन गया था उसका। और आज आसमान छूरा बताओ। तो ऐसी तो कोई व्यवस्था इस देश में है नहीं, नहीं है कि जिस दिन भूसे के रेट बढ़ गए उस दिन दूध के भी रेट बढ़ा दे, दूध के रेट वहीं की वहीं। 35 रुपए दार है भाई जी। भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखें जो मिल्किंग की है वो साफ सुस्पष्ट, हो सकता है वो गोधन आपको सुंदरता में उतनी श्रेष्ठ न लगे लेकिन मिल्किंग आप देखें काफी अच्छा। 10 से बार दूध है भाई जी अभी। और मैं फिर एक बार बोल करके बताना चाहूंगा, ये युवा साथी जो हैं ये भी बोलकर बता रहे हैं कि जब कभी भी आप गोधन खरीदें अपनी जो तसल्ली है वो अपने आप करें, अपने आप करें, दो समय तीन समय जितने समय आप दूध देखना चाहें आप देखें, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन एक बार जी अपने आप से लेडीज निकालो जेंट्स काटो, एक टाइम काटो दो टाइम पेटा भर के ले जाओ, उसके बाद में कोई उलाना नहीं, कोई उलाना नहीं, क्योंकि मेरे भी कोई गाय घर की नहीं है। इनके भी जो गोधन आती है तो वहाँ से किसान जो वर्ग हैं गाभिन को 6-8 महीने की बता के बेच देते हैं और कई बार वो खाली भी, बताता हूँ खाली भी नहीं। आदमी आज गाय लेने आता है, कह जी आज ये गाय 42,000 रुपए की है, गुड़गांव ले ली, गुड़गांव के 6,000 रुपए किराया, भाई जी किराया बहुत महंगा पड़ रहा है। जब डीजल 97-100 रुपए के आसपास है तो किराया तो महंगा होगा, 97 रुपए कुछ पैसे डीजल हो रहा है जी, तो गाड़ी वाले को कुछ नहीं बचता। रही बात है, जिसके घर में गुड़िया जन्म लेगी ना उसका जमाई आवेगा और गाय लोगे तो किराया लगेगा भाई जी। खरी बात है वो। बहुत बढ़िया, ठीक है ले आए ले आए। तो आज दूध शुद्ध दूध को पहचानने वाले शहरों में तो मात्र और मात्र 2% बच गए हैं, 98% तो वही पैकेट वाला दूध पी करके संतुष्ट हैं। तो गोधन का देसी गोधन भारतीय मूल की जो पवित्र नस्लें हैं उनका दूध जो है वो अमृत तुल्य बताया गया है। और इस दूध को धारुष्ण दूध कहा जाता है कि धार की ऊष्मा इसमें है, मतलब थनों से जब निकलता है तो वो जो गर्म दूध होता है, ठीक है वेट जीरो, बहुत बढ़िया जीरो वेट है, ठीक है। ये किसका, राठी का? राठी का, ठीक है लाल वाले भाई, बहुत बढ़िया। तकरीबन 5 किलो 610 ग्राम, ठीक है। इसका मतलब आपकी बाल्टी थोड़ी छोटी है, ठीक है, ऊपर तक भरी थी अन्यथा। 5 किलो 610 ग्राम, 5.5 किलो के आसपास एक समय का दूध है जो है वो सुस्पष्ट है। तो आपने जो रेंज बताई 42,000 रुपए, तो 40-42-55,000 तक की जो भैंसें आपने रेंज बताई है, तो उनका दूध आपने बताया कि 10 से लेकर के 12-13 लीटर दूध तक की है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखें दोनों का तकरीबन एक समान 5.5 किलो के पास उसका था और 5 किलो 710 ग्राम। जी जी जी, फोन भी तगड़ा है आपका, तो ऐसे खुलता है माचिस की डिब्बी की तरह। गूगल टेल मी टाइम एंड डेट, इट इज 7:01 PM, ये तो 13th of April 2022, 7:01 बुधवार का समय है, 13 अप्रैल, जो बात है वो सुस्पष्ट। और 5:40 पे मिल्किंग हुई है भाई जी, सुबह 5:40 पे, ठीक है। अभी ये टाइम देख लो, और एक बात और है, उसके 10 लीटर दूध तैयार है बच्चे से अलग, अच्छा, और इसके 11-12 लीटर दूध तैयार है। बहुत बहुत। तो ये देखें यहाँ पर संध्या के समय विश्राम कर रहे हो, चोट लगी पैर के, अच्छा अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो ये देखें इनकी दो गोधन हैं, एक हरियाणा नस्ल की यहाँ पर है, अगर और थोड़े से अच्छे नंदी का अगर चयन करता है तो और अच्छी बछिया आ सकती थी, वो अब हमारे ऊपर दायित्व है जो जागरूक हैं, जो कोई भी लेकर के इस गोधन को जाते हैं वो इसको शुद्ध नंदी से गर्भित करवाएं और जहाँ तक हो सके प्राकृतिक गर्भाधान। और राठी के नीचे एक बार तो सारी गाय के बछड़ी है भाई जी, अच्छा सबके नीचे बछड़ी। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का कुछ होता है क्या भाई जी? होता है। तो आयुर्वेद मानता है, हो सकता है हमारा जो एलोपैथी सिस्टम है या और जो मॉडर्न साइंस है वो इसको ना मानती हो। तो अन्य जो गोधन है वो वहाँ पर है और इन दो गोधन की यहाँ पर अंदर ला करके और 7 बजे के आसपास अभी मिल्किंग की गई है।